जी बेटा, ये लास्ट क्वेश्चन देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बड़ा टेक्निकल किस्म का क्वेश्चन है ये, ठीक है बेटा। इसमें देखें, कहते हैं कि ए डिश वॉशर क्लीन्स 1350 डिशेस इन वन आवर, ठीक है। नंबर ऑफ डिशेस washed in 1 hour. ये total number of dishes washed in one, right? कहते हैं कि अगर 16 मिनट मजीद दिए जाए उसको, 16 मिनट मजीद यानी कि एक घंटा पहले था, तो अब कितना टाइम हो गया? 1 hour and 16 minutes. 1 hour and 16 minutes में वो कितनी डिशेस को वॉश कर, समझ गए बेटा? ये क्वेश्चन है। तो लेट्स नंबर ऑफ डिशेस वॉश्ड एक्स, ठीक है। तो इधर लिखते हैं नंबर ऑफ डिशेस और इधर लिखते हैं टाइम। अब टाइम आपने किसमें लेना है बेटा? टाइम किसमें ले? एक चीज आपको आवर्स में गिवन है और दूसरी मिनट, दूसरी चीज कितने में मिले, किसमें गिवन है? 1 hour and 16 minutes, राइट? तो हम दोनों को कन्वर्ट कर लेते हैं मिनट्स में। तो कितनी डिशेस वॉश की है जी? 1350 डिशेस। और टाइम कितना लगा जी? टाइम आपने मिनट्स में लेना, किसमें लेना बेटा? मिनट्स में। तो 60 मिनट्स में उसने 1350 डिशेस को वॉश, ओके? कहते हैं कि अगर टाइम 16 मिनट ज्यादा हो जाए, 16 मिनट ज्यादा हो जाए, एक घंटा प्लस 16 मिनट कितने हो गए बेटा? 1 hour plus 16 minutes, 76 minutes. 76 मिनट में आपने बताना है कितनी डिशेस वॉश। तो हमने लिखा लेट नंबर ऑफ डिशेस वॉश इज इक्वल टू एक्स इन 1 hour, इन 1 hour एंड 60 मिनट्स, 1 hour and 16 minutes. इफ मीन इट इज 76 मिनट्स, 1 hour में 60 मिनट और 60 मिनट आपके पास मोर थे, तो 1 hour 16 मिनट इज 76 मिनट। तो ये देखिए, आपके पास कम टाइम कम डिशेज, ज्यादा टाइम ज्यादा डिशेज को वॉश किया जाएगा, ओके? डायरेक्ट प्रपोर्शन। तो ये एक्स ओवर 1050 इज इक्वल टू डायरेक्ट वेरिएशन या डायरेक्ट प्रपोर्शन में नीचे वाली टर्म ऊपर लिखते हैं और ऊपर वाली टर्म नीचे लिखते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू 76/60 इंटू 1350. तो ये कैंसिलेशन के बाद आपके पास आ जाएगा सिंप्लीफिकेशन 1710 डिशेस, ठीक है बेटा। तो अगर ये क्वेश्चन ये पूछा जाए कि आप ये बताइए कि 16 मिनट में वो अगले 16 मिनट में कितनी डिशेस को वॉश करेगा, तो वो भी हम बता सकते हैं कि नंबर ऑफ डिशेस वॉश इन 16 मोर मिनट्स, ठीक है। एक घंटे में तो इतनी करता है, 16 मोर मिनट में आप ये बता सकते हो, इसमें से ये वाली डिशेस माइनस करते हैं तो 16 मोर मिनट्स में आ सकते। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास आसान आसान से मेथड के क्वेश्चन है, यही मेथड आपको अगली क्लासेस में भी काम आएगा, इसलिए आप इसकी तमाम एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन नंबर
5 और 6 भी आपने करना है और एग्जाम्पल्स को भी अच्छे तरीके से साथ साथ करना है। और तमाम बच्चे जिन्होंने अभी तक असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाई, फौरी तौर पर अपनी असाइनमेंट व्हाट्सएप करें, ठीक है, और लेक्चर को रेगुलरली अटेंड करें। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।